आइए बात करते हैं हमारे समाज की विधवा महिलाओं के बारे में। हम आज देख रहे हैं कि विधवा महिलाएं हैं जो जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, जिन औरतों के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी सास उनकी शादी अपने छोटे बेटे के साथ करा देती है। वो इसलिए कराती है ताकि जो बच्चे हैं वो घर की घर में रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि विधवा महिलाओं को ये पूरा अधिकार है कि वो शादी किससे करेगी? उन्हें पूरा अधिकार है दूसरी शादी करने का। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये एक्ट पास कर दिया गया था कि विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार है, वो भी अपनी मर्जी से। अगर वो अपने घर जाना चाहती है तो वो जा सकती है, वो किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी काट सकती है, जी सकती है अपनी ज़िंदगी को। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो आपकी बहू, घर की बहू है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन गई है। अगर उसके हस्बैंड उसे छोड़कर चले गए तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आप अपने छोटे बेटे की शादी उससे करा देती हैं। हम आजकल सोसाइटी में देखते हैं कि जो औरतें विधवा हो जाती हैं उनकी शादी उनके देवर से करा दी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि विधवा महिलाओं को अपने अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें हक नहीं दिया जाता उनके अधिकार लेने का? उन्हें पूरा हक है, हमारा संविधान ये कहता है कि उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन हमारी सोसाइटी उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझती है, उनका ससुराल उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझता है। क्यों? मुझे लगता है हर विधवा महिला को ये अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सके, उसे ये अधिकार है वो किससे कब कैसे शादी करनी है वो पूरा अधिकार ले सकती है, पूरी डिसीजन ले सकती है, उसे पूरा अधिकार है कि वो डिसीजन ले। उसकी ज़िंदगी है, उसे जीने दीजिए प्लीज़।